बहरामन किस जगह पे थे बेटा हम सर वो रेंज के बारे में आज हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक 6 है है ना 5 है या 6 है कुछ ऐसे ही है जो 5 था वो तो बहुत ही छोटा सा था माइंड तो हमने एक क्लास के बाद ये भी सेट करना है कि हम मेकअप क्लास किस दिन रख सकते हैं हमारी दो क्लासेस छोटी हुई हैं तो उनको हमने जरा मेकअप करना है ठीक है ना बल्कि ढाई क्लासेस हुई हैं तो तीन क्लासेस हम रख लेंगे मेकअप तो उनका जरा स्केड्यूल करते हैं जरा वो भी क्लासेस के खैर अभी तक डेटा स्ट्रक्चर का हमने कोई बहुत दूसरा नहीं कुछ इंट्रोसा किया था रिविजन की थी और रेज से किया था और रेज वही है जो कि आप लोगों ने की हुई है लेकिन इसको हम इसलिए कर रहे हैं ये इसको अगर सीएस वाले पढ़ने दो रेज को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते वो कहते हैं यार ये तो हमने वैसे ही की हुई है तो अगर चलते हैं लेकिन मसला है कि हमारे लिए रेज बहुत इंपॉर्टेंट है इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम इसे यूज बहुत करते हैं जो आएगा एम्बेडेड वाले आएंगी चीजें और बाकी कुछ चीजें होंगी क्योंकि हमारा यूसेज काफी है तो हम चाहते हैं जरा रेज से आपकी अच्छी तरह जान पहचान हो जाए तो इसलिए फिर हम थोड़ा सा रेस पे टाइम लगाएंगे कुछ बेसिक चीजें यहां पे सीधी करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह फिर एकदम हमारा तेजी से काम शुरू होगा शुरू में हमारी स्पीड स्लो होती है कोर्स में और फिर उसके बाद हम जब तक मिड टर्म के करीब पहुंचे तो फिर हमारा काफी गेयर लग चुके थे फिर हम एक एक लेक्चर में शायद एक एक चैप्टर के एक मिनट कोई चीजें कवर कर रहे होंगे उस वक्त तो शुरू में जरा हमारा एनर्जी जरा ज्यादा तो हम जरा स्लो स्टार्ट कर रहे हैं अरे कौन सी की थी हमने लास्ट टाइम हमने की थी कंपाइल टाइम अरे ठीक है जो अरे हमने पढ़ी थी अभी तक वो थी कंपाइल टाइम अरे और कंपाइल टाइम अरे क्या थी राजा साहब कंपाइल टाइम अरे क्या थी कंपाइल टाइम अरे क्या होती है बहरामंद जो रन टाइम पे इसको चेंज नहीं कर सकते वो कंपाइल टाइम है ठीक है तो कंपाइल टाइम अरे कंपाइल से क्या मतलब है जब आप कंपाइलेशन करते हैं जो उस वक्त बनाते हैं जिसका साइज उस वक्त पता होना जरूरी है नहीं पता तो नहीं बनाएंगे ठीक है ना ये साइज पता होना जरूरी है अरे बाय स्टैंडर्ड साइज पता होना जरूरी है कुछ ना कुछ कंपाइलर्स ना लेटली नए स्टैंडर्ड मुताबिक ना कुछ थोड़ा बहुत वेरिएबल को सपोर्ट करने लगे उसको मैं अभी इग्नोर करता हूं लेकिन आप जेन में तैयार रहिए अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो देखें वहां जीसीसी कंपाइलर कुछ ऐसे होंगे कि जो कि वेरिएबल साइज को भी ले रहे होंगे और उनका सिंटैक्स बिल्कुल ऐसे ही होगा तो वो भी कुछ अब सपोर्ट होने लगे लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ये चीज इस तरह नहीं है तो खैर ये है जैसे अब हमने साइज बता दिया अब इसमें मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी तक तो आप ये सुनते आए ना कि मैंने काफी आपको बता दिया कि यार इसका साइज चेंज नहीं होता इसके आखिर में हम कुछ नहीं डाल सकते इसके पहले कुछ नहीं लिख सकते ये क्या हुआ ना ये तो मैंने बता दिया लेकिन जो असल इसमें क्वेश्चन है वो इसका ये कि साइज क्यों नहीं चेंज हो सकता ये आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जरा सोचें और बताएं कि अगर ये मैंने 5 एलिमेंट्स की अरे बनाई है इसका साइज क्यों नहीं चेंज हो सकता जी जरा सोचें आप कि क्यों नहीं चेंज हो सकता साइज ये तो पहले हमने बताते रहे ना पहले तो मैं बता रहा था कि ये नहीं होता आपने कहा ठीक है आप मन से दखना आप कहते गए बाद में क्यों नहीं चेंज कर सकते इसके अंदर तो स्पेस कोई नहीं है बिल्कुल लेकिन हमने अंदर इंसर्ट नहीं करना लेट से मैं चाहता हूं मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं दरअसल ना ये जरा देर में रखिएगा एक होता है कि इंसर्ट करना फ्रंट पे बिल्कुल शुरू में एक इंसर्ट करना कहीं आर्बिट्रेरी जगह पे यहां कलिए यहां यहां तो आर्बिट्रेरी लोकेशन हो सकती है और एक हो जाता है बैक पे या एंड पे इंसर्ट करना तो चलो बीच में तो वाकई कोई जगह नहीं है आगे पीछे नहीं हो सकती लेकिन शुरू में तो आखिर में तो है जगह तो क्यों नहीं हम कर सकते चेंज मेरे को कर दी वो तो कर दी लेकिन मैंने कहा वो कर दी हमने डिफाइन किया हम ही कहते हैं यार अच्छा चलो अगली लोकेशन में यूज कर लेते हैं 5 है चलो अब इसको 6 कर लेते हैं ये क्यों नहीं कर सकते नहीं ये याद रखना डायनामिक रे भी है और जब डायनामिक रे बनती है तो उधर कंबाइलर शंबाइलर उस वक्त नहीं होते है ना नहीं होते ना वो ठीक नहीं इसकी क्या रीजन है कि ये क्यों नहीं हो सकती एक तो हमें रीजन एक तो खैर ये पता है कि कंपाइलर अलाउ नहीं कर रहा
उसी में फिर अगला क्वेश्चन है कि कंपाइलर क्यों नहीं अलाउ कर रहा। ठीक है, आप लोगों की बात सही है कि कंपाइलर नहीं अलाउ करेगा, एरर दे देगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कंपाइलर ने एट द फर्स्ट प्लेस डिस अलाउ ही क्यों किया, इस चीज को क्यों किया? ऊपर से ये तो आ गया बेटा सीरीज में आ गया ना, बिल्कुल सही है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं यार, मैं पांच मैं इसको कहता हूं यार, यानी कि एक्सेस करने वाले से मैं कह सकता हूं जो कि गलत है, लेकिन मैं कहता हूं यार मैं इसको पांच में, वैसे कोई ऐसी चीज हो कि मैं कहूं इसका फायदा मैं छेद करने लगाऊ, तो कंपाइलर मुझे ये जगह दे दे, या इससे पहले कोई करना चाहता हूं तो मैं मुझे इधर दे दे जगह, ये क्यों नहीं करता? यानी वो क्यों उसने अपने पास एक रूल बना लिया कि मैंने नहीं करना ये वाला काम, ये रूल है उसका। मेरा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा फर्क है, मेरा क्वेश्चन है कि उसका ये रूल क्यों बना होगा, क्वेश्चन ये है। मेमोरी क्या उसकी फिक्स जगह पहले से है? हाँ कुछ कुछ ठीक, हाँ कुछ कुछ, लेकिन फिक्स किस सेंस में? स्टैटिक नहीं, नहीं क्योंकि स्टैटिक इसलिए नहीं होता, ये तो ठीक है। मेरा सवाल है कि क्यों नहीं करता स्टैटिक वाला काम, मेरा ये सवाल है। ये तो अब हम इस पे सब लोग कन्विंस हैं कि इनका साइज चेंज नहीं होता, अब सिर्फ एक बिहाइंड द सीन वाला एक क्वेश्चन है कि क्यों नहीं चेंज होता। दैट इज द पॉइंट, ये एक मेन वजह है कि जब ये चीज बनी है ना, जब आपने बनाया तो ये बन कहां रही होती है? स्टैक पे बन रही होती है, जो इनसाइड द फंक्शन होती है ना, इनसाइड द ब्लॉक स्टैक पे बन रही होती है। तो होता क्या होता कि उसने आया, अच्छा पांच ही रिक्वेस्ट आई, उसने ये ले जी इधर बना ली, उसके बाद आई उसने यहां बना ली, क्योंकि जब आपने पांच ही बनाई ना तो बाय चांस हो सकता है ये जगह खाली हो, और हो सकता है कि मैंने एक और वेरिएबल ए और बी बनाए थे, उनकी हो सकता है उसने जगह ए की यहां रख दी हो, क्योंकि उस वक्त उसे पता था कि पांच की है तो उसने जगह यहां रख दी। अब कल को आप उठ के कहते यार मैंने इस जगह पे लेना, तो यहां तो ए पहले पड़ा है, अब ए का क्या नुकसान है, कसूर किया कि ए को उठा के हम कहीं और मूव करें? नाउ दिस इज द थिंग कि मेमोरी जब इस तरह कंपाइल के टाइम पे ये लेआउट फिक्स हो गया, उसने उस हिसाब से कर लिया, और हो सकता है कि ये डिपेंड करता है, हो सकता है हर रन के ऊपर ये डिफरेंट आपको जगह पे मिले, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसमें चांस ये है कि जरूरी नहीं कि ए इधर ही बने, इधर भी बन सकता है, और हो सकता है ये जगह खाली हो, लेकिन ये गारंटेड नहीं है कि ऑलवेज खाली मिलेगी आपको, चांसेस आएंगे ये फिल हो, और ये फिल है तो फिर आप किसी और को निकाल नहीं सकते जैसे, ठीक है ना? तो डेट्स लाइक ये यानी कह लेंगे अगर हम ज्यादा इनसाइड लेना चाहें तो ये एक वजह है पॉसिबल, और भी शायद कोई हो एक आधी वजह, लेकिन अब ये है जिसकी वजह से उन्होंने रूल बनाना पड़ा ताकि ये वाला काम ना हो। एक चीज होती है रूल, रूल किस लिए बनते, ताकि कोई चीज गलत होने वाली है उसको रोका जाए। तो अभी तक हम रूल्स को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन हमने ये भी एक डेवलप करना है कि यार वो रूल बना क्यों होगा, अगर हम इन चीजों को भी करने लग जाएंगे तो हमें काफी सारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी हमारी चीजों की, ठीक है? तो देखो ये कैसे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि अगर हमारे देह में अगर ये हमने तो पिक्चर बना ली है और हमें पता है कि यार कुछ और चीजें नहीं आ सकती हैं, कुछ और चीजों में नहीं आना ना, प्रोग्राम में सिर्फ ये करें तो नहीं, और भी चीजें आ सकती हैं इधर आगे पीछे कहीं, अगर ये पिक्चर हमारे देह में होगी तो फिर हमें पता चल जाएगा कि यार ये मैंने एक ए वेरिएबल यहां कहीं बनाया था, अब मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, चलो एक भी बढ़ गया, दो बढ़ गया, तीसरे पे आके ये ओवरलैप करेगा जो कि गड़बड़ हो जाएगी, जो कि प्रोग्राम को बिल्कुल एक अननोन स्टेट में ले जाएगा, उससे बचाने के लिए रूल्स होते हैं हमारे, तो ये रूल इसलिए चलता है, ठीक है? साथ ही में लगे हाथों चाहूंगा कि डायनेमिक का रेक भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा, फिर मैं इनकी कुछ चीजों को ना साथ साथ लेके चलूंगा कि इधर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है। डायनेमिक रे क्या होती है यार? रन टाइम रे जिसे बोलते हैं, उसके लिए एक तो यार आपको ये पता चाहिए, जिस तरह पहले भी बताया था कि आपके सिस्टम में जो मेमोरी है ना वो कुछ कोड स्पेस में, कुछ डेटा स्पेस में टूटी हुई है, और डेटा स्पेस में आगे कुछ और सेगमेंट मिलने जैसे कुछ कहीं स्टैक हो सकता है, और बाकी की आपका फ्री स्टोर या हीप, थोड़ा सा फर्क है लेकिन ये हो सकता है पॉसिबल। जो आपकी कंपाइल टाइम अरे है
और कुछ एरिया आप कह सकते हैं ग्लोबल्स के लिए होता है, लेट्स ग्लोबल्स या स्टैटिक के लिए होता है। अच्छा, जो आपकी कंपाइल टाइम रेट थी, अगर तो किसी फंक्शन के अंदर बनी है तो फिर वो स्टैक के अंदर बनेगी। जो भी लोकल वेरिएबल होता है वो हमेशा स्टैक पर बनता है, ये याद रखना। जब भी लोकल वेरिएबल बनेगा स्टैक पर बनेगा। जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी अलग स्पेस है, वो स्टैक में नहीं होती, वो एक ग्लोबल का अलग हिस्सा होगा, वो वहां बनेगी। तो रेस में कंपाइल टाइम में फिर हमने देख लिया कि यार इंट मेन मैंने लिखा इंट ए आर टू एलिमेंट्स की अरे है, ये जो टू एलिमेंट्स की अरे है वो कहीं यहां बन गई, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस ए आर था, ये इसका जीरो और ये इसका वन, और एक मैंने इसके ऊपर कहीं बना ली कि इंट ग्लोबल ए आर थ्री, ये थ्री एलिमेंट की अरे ये यहां कहीं बन रही है, शायद इसका स्टार्टिंग एड्रेस ये है। ये आपको एक तो क्लियर होना चाहिए कि यार इनका अगर आप पॉइंटर देखेंगे ना तो आपको इसके पॉइंटर उसके पॉइंटर में ना ठीक सा फर्क नजर आएगा, और आपको समझ नहीं आएगा यार क्यों फर्क है, क्यों, क्योंकि वो स्पेसेस ही डिफरेंट है जहां वो चीज बन रही है। जो चीज लोकल में बनती है उसका हमने बताया था कि जैसे ही एंड ब्रैकेट मिलती है उसे साथ ही वो खत्म होती है, क्लियर। जो चीज ग्लोबल में बनती है वो जब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होता तब तक वो जिंदा रहती है, जब तक आपका प्रोग्राम का मेन एग्जिट नहीं हो रहेगा, जब तक मेन की एंड ब्रैकेट नहीं आ रहेगी तब तक वो जिंदा रहेगी। डायनेमिक अरे, डायनेमिक और रन टाइम, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम कह रहे हैं कि यार बनाएंगे कैसे, पहले ये देख लेंगे बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका क्या है, फिर उसकी इनसाइट देख लेंगे इनसाइट क्या। तो सबसे पहले तो हम चाबी लगा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, बनाए के उसके इंजन में पड़ेंगे, उसका इंजन कैसे काम करता है, तो चले एंट डायनेमिक करें, जब भी बनानी है तो पॉइंटर हमें चाहिए, इसलिए हम कहते हैं पॉइंटर बहुत ही मॉडर्न है। आपने एक पॉइंटर बना लिया पी ले, इसका नाम हमने डार कर दिया डायनेमिक करें, तो डायनेमिक करें इक्वल टू, अच्छा अब अगर मैंने सेमी कॉलन लगा दिया तो इट्स अ पॉइंटर, जस्ट अ पॉइंटर, अन इनिशियलाइज पॉइंटर, ये किसी एक एलिमेंट को भी पॉइंट कर सकता है और ये किसी एक रे को भी पॉइंट कर सकता है। अगर सिर्फ एक एलिमेंट को पॉइंट करवाना है तो उसका तरीका ये होगा कि डार इक्वल टू न्यू और इंट, जिस टाइप का ये था उसी का आप टाइप आगे लिख दें, एक जगह बन जाएगी, एक लोकेशन की जगह बनी है ये, और एक कहां बनेगी हीप में या फ्री स्पेस में, तो ये यहां बन गई है जनाब। टाइप सेम होनी चाहिए, क्यों टाइप सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमें पॉइंटर टाइप का बनाया, जिस टाइप का पॉइंटर होता है वो उसी तरह की लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। तो इधर आ गया मैं शॉर्ट कहूंगा तो ये तो धोखा देने वाली बात है। तो ये जब आप ये एक्शन लेंगे तो हीप में बन जाएगी। अब इधर जो कुछ अगर मजीद डाइसेक्शन करते हैं तो ये याद रखने की बात है, या मेरा आपसे सवाल है कि ये चीज कितनी जगह ले रही है, ये दो लाइन्स कितनी मेमोरी खा रही है डेटा सेक्शन में, इन इंस्ट्रक्शंस का नहीं मैं पूछा कि इनका कोड साइज कितना, डेटा ही कितना, डेटा मेमोरी कितनी खा रही है। अच्छा जी, आठ किस तरह जी, चार पॉइंटर के लिए होगा, चार के लिए। अच्छा, और मैं पूछूंगी कहां क्या बने, तो डार साहब तो यहां है लेकिन इनका पॉइंटर स्टैक में बने, ये पॉइंटर इटसेल्फ जिसका नाम डार है वो स्टैक में बने और उसके अंदर जो एड्रेस है वो ये है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। इसका मतलब क्या है, इसका एक मतलब ये है कि अगर ये मैंने किसी फंक्शन के अंदर बनाया, किसी ब्लॉक के अंदर बनाया, तो जैसे ये एंड ब्लॉक आएगा तो क्या होगा, इनमें से कौन सी चीज फौत हो जाएगी, डार वाली लोकेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन जिसको वो पॉइंट कर रहा है वो अपनी जगह पे है, वो आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड है, आप फंक्शन से निकल गए लेकिन वो है। ये ऐसे ही है कि आपने गए और आपने चाबी कहीं फेंक दी है समुद्र में और उसकी चाबी अब किसी के पास नहीं है, ये ऐसा ही है कि आपको नहीं पता वो कौन सी लोकेशन थी, अगर आपने एक दो उसका पॉइंटर मिस कर दिया, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बग होता है अक्सर कोर्ट्स में कि लोग फंक्शन में बना लेते न्यू और फिर याद ही नहीं रहता उन्हें कि यार क्या है। तो ये याद रखना है, उस पॉइंटर को रिटर्न करना है, जो मर्जी किसी तरीके से उसको याद रखना है ताकि हम उसे फिर डिलीट कर सके, क्योंकि जब मैं इधर से निकल आया तो ये गया, ये चाबी मेरे हाथ से निकल गई है, क्योंकि वो पॉइंटर
گارنٹیڈ نہیں ہے کہ اس پہ وہ چیز وہ پڑی ہو اس جگہ پہ, کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے. انورٹ کمپائلر نہیں پہچانے گا کہ ڈار کون ہے, ڈار نام وہ پوائنٹ. تو یہ یاد رکھنا ہے, اور یہ کیوں یاد رکھنا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پوائنٹر اٹ سیلف اسٹیک پہ بنے, اور جو لوکیشن ہم نے ایلوکیٹ کرائی ہے وہ ہیپ سے کرائی ہے, اور ہیپ کی ایلوکیشن ایسے ہی ہے جیسے آپ جا کے ولی صاحب کے پاس جائیں اور اسے کہیں گے مجھے ایک صوفہ چاہیے کلاس میں رکھنے کے لیے, اور آپ کے کارڈ پہ ایشو ہوگا وہ, اور جب تک آپ وہ واپس نہیں کریں گے, چاہے وہ صوفہ ادھر ہی پڑا ہے, کارڈ جب تک ان کے ریکارڈ میں رہتا ہے تب تک وہ آپ کے نام پر ہے. جب تک آپ ایکسپریسلی واپس نہیں کرو گے تب تک نہیں ہوگا. اسٹیک میں یہ نہیں ہوتا, اسٹیک میں خود ہی ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے. جب بھی کوئی چیز نہیں بنتی ہے وہ خود ہی ریکارڈ رکھ لیتا ہے, جب آپ جاتے ہیں وہ خود اس کو کلیئر کر دیتا ہے, ہاؤس کیپنگ وہ خود کرتا ہے اسٹیک میں. ہیپ میں ایسا نہیں ہے, سی پلس پلس کی ہیپ میں ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ چیز آپ نے سمجھ. اچھا اس کا پھر ایک جگاڑ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں یار میں ایک نا گلوبل پوائنٹر بناتا ہوں, اسی چیز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. میں گلوبل پوائنٹر بناتا ہوں اینڈ گار, اور اس گار کو یہ کر لیتا ہوں. اب میں اینڈ بریکٹ مل بھی رہا ہے کوئی مسئلہ, کیوں گار صاحب جو ان سے ہیں وہ یہاں کہیں پڑے ہوئے ہیں. گار صاحب اچھا گار کے بنایا میں کچھ اور کہتا, گار تو پہلے بھی ایک بنا ہوا ہے, اس سے نہ کنفیوز کر دینا, یہ الگ ہے. کیونکہ اب یہ کب تک رہے گا زندہ؟ جب تک کہ پروگرام ختم نہیں ہوگا. ڈیلیٹ ابھی بھی کرنا ہے, لیکن اب یہ کہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے کبھی بھی ہم کسی بھی جگہ سے جا کے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے ویسے, لیکن پروگرام کے مینجمنٹ کے حساب سے کہیں بھی کسی بھی جگہ سے کر سکتے ہیں, ایک بڑا گندا کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال چابی گم ہی نہیں ہے اب آپ کے, ایک یہ تو یہ ذرا ایک چیز ذہن میں رکھنا جب بھی اس کو پریکٹیکلی کبھی یوز کرو. اچھا جب ہم نیو کرتے ہیں تو اس کے کرسپونڈنگ ہم نے کرنا ہوتا ہے ڈیلیٹ. ڈیلیٹ کس کو؟ گار کو نہیں, گار تو ادھر ہی کھڑا ہے, یا ڈار کو, ڈار بھی ادھر ہی کھڑا ہے. یہ پوائنٹ سے ڈیلیٹ, جس کو وہ پوائنٹ کر رہے ہیں اس جگہ کی چابی آپ سے لے لی جاتی ہے. یہ ایسے کہ ہوٹل میں آپ آئے ہیں, ہوٹل تو کسی اور کا ہے, میموری تو کسی اور کی ہے. جب آپ نے بکنگ کرائی ہے, جب آپ گئے چیک ان کی ہے, تو چابی آپ کو مل گئی ہے. اب وہ کمرہ آپ کے استعمال میں, جب تک کہ آپ ادھر سے نکلتے نہیں ہیں وہ آپ کے استعمال میں ہے, آپ کی ملکیت ہے وہ چیز. اب ہوٹل والے بھی سوائے ہاؤس کیپنگ رہا اور کچھ نہیں کر سکتے. وہ جب آپ ڈیلیٹ کال کریں گے, جب آپ پیسے دیں گے, جب چیک آؤٹ کرنے لگیں گے, اس وقت آپ سے چابی دوبارہ وہ لے لی گئی ہے. اگرچہ اس میں ایڈریس ابھی بھی اسی کا ہی پڑا ہوگا, لیکن اب قانونی طور پہ اب آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. قانونی اس لا سینس میں نہیں, جو کمپائلیشن کے یا پروگرام کے لا ہے اس کے مطابق اب آپ اس کو کریں گے تو کوئی گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا چلیں, یہ تھا ایک ویریبل. تو ہم تو اریز کی بات کر رہے ہیں, اریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ کی بات. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ڈار صاحب کے ساتھ ہی چلے ہم تھوڑی دیر کے لیے. تو ڈار صاحب آئے اور ڈار اکول ٹو نیو, اور بالکل جس طرح رے بنتی ہے اس طرح یہ ہے. یار یہ لے جی, کہنے والے کیسے تھے سر ابھی بھی آپ نے کانسٹنٹ سے کر لیا؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے یار کانسٹنٹ سے کر لیا, یہ تو میری چوائس ہے, میں ویریبل سے بھی کر سکتا ہوں, کانسٹنٹ سے بھی کر سکتا ہوں. کوئی روک تو نہیں نہ رہا کہ یہ ڈار آ گیا تو, یعنی ڈائنامک رے آ گیا تو لازمی ویریبل میں کر کے کرنا. نہیں, فکس نمبر بھی دے سکتے ہو, نہیں بھی دے سکتے, لیکن آپ کو لمیٹیشن نہیں ہے. اب فلیکسیبلٹی ہے میرے پاس کہ اب میں اس طرح بھی کر سکتا تھا, اور میں ایک اور بھی کام کر سکتا تھا کہ میں کہتا کہ اینڈ ایکس, اور میں کہہ دیتا کہ سی ان ایکس لیٹ سے, اور اس کو میں ایکس کر دیتا. اس طریقے سے بھی کر سکتا, کوئی بھی آپ کر سکتا تھا طریقہ. تو اس کا مطلب ڈائنامک رے از مور پاورفل دین کمپائل ٹائم رے, لیکن اس کی کاسٹ ہے. کاسٹ کیا ہے ڈائنامک رے کو کرنے کی؟ کہ اب آپ نے کچھ چیزوں کو خود سے سنبھالنا ہے, یعنی کہ میموری واپس کرنے کا ذمہ داری آپ کے شولڈرز پہ ہے. کمپائل ٹائم رے میں یہ آپ کے اوپر نہیں تھی ذمہ داری, کمپائل ٹائم رے میں اس کے پاس تھی. اچھا یہ بڑی چیز ٹرکی ہو جاتی ہے جب آپ کے پروگرام نا سادے پروگراموں میں تو نہیں, لیکن آپ کے پروگرام میں کوئی ایکسیپشن آ رہی ہے, بریک ہو رہی ہے روٹین, یعنی کہ آپ اپنے اس ڈیلیٹ تک آپ نے ڈیلیٹ بھی رکھا ہوا اپنے پروگرام میں, لیکن اس سے پہلے آپ نے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے پروگرام میں جیسے ایکسیپشن جنریٹ ہوگی. جب ایکسیپشن جنریٹ ہوگی تو پروگرام کا نارمل فلو ٹوٹ گیا. آپ میں چوتھی لائن میں کوئی کام کیا, اس پہ ایکسیپشن جنریٹ ہوگی, اور آٹھویں لائن پہ ڈیلیٹ تھا, لیڈ بھی لکھا ہوا تھا, یہ نہیں لکھا ہوا, لیکن آپ اس لائن تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ نام اب آپ کے ہی نام پہ ایلوکیٹڈ رہے گی. اگر سے آپ نے کوئی یہ نہیں کیا کہ کوڈ کرتے ہوئے آپ نے دھیان رکھا تھا, لیکن وہ ایکسیپشن سیف کوڈ نہیں تھا. تو نیو اور ڈیلیٹ جو ہوتے ہیں ایکسیپشن سیف نہیں ہوتے, کوئی ان میں ایکسیپشن آ رہا ہے تو ان کی کاسٹ ہوتی ہے, آپ کی میموری وہ لیک ہو جاتی ہے. اس کو حل کرنے کا پھر مختلف ایک اسمارٹ پوائنٹرز ہوتے ہیں, ایک اور چیز ہوتی ہے جو کہ شاید ہم نہ دیکھیں کہ اس میں وہ تھوڑا سا دھیان رکھ رہا ہے, یا کوئی ڈیٹا اسٹرکچر اور یوز کر لیا. جیسے ویکٹرز ہوتے ہیں, ویکٹرز آئی تھنک تھریڈ سیف ایکسیپشن سیف ہوتے ہیں,
تو ان کو استعمال کر لے رہے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ نا ذمہ داری آپ ہے. تو یعنی کہ جب یہ چیزیں اور ان کو صحیح استعمال نہیں کرتے تو آپ کے پروگرام میں میموری لیکس کے چانسز ہیں. ٹھیک سے اوکے, یہ تو کچھ ایشوز ہو گئے ان کے ڈسکس. ان کو ڈیلیٹ کیسے کریں گے پہلے تو یہ دیکھ لیں. ڈیلیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ بریکٹس لاسٹ میں ڈالنی ہوگی اور ڈار لکھنا ہوگا. کیوں؟ جب آپ نے سنگل ایلیمنٹ کیا تو آپ نے یہ والا یوز نہیں کرنا کیس, اور جب ارے کیا تو پھر یہ والا یوز کرنا. جب آپ یہ یوز کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یار وہ جا کے جتنی لوکیشن تھی ان کا ایک ایک کر کے ریکارڈ ختم کر دے گا. اچھا, کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ ارے کے اوپر یہ والا استعمال کریں اور سنگل ویریبل کے اوپر بغیر اس کے والا. ان کو انٹرچینج نہیں کریں کیونکہ اس میں چانسز ہیں. کچھ کمپائلر تو نہ کریں ٹھیک ہی چلنے دیں, لیکن چانسز کیونکہ نان اسٹینڈرڈ بہیویئر ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی اور کمپائلر پہ جا کے. ابھی آپ کے وہ مسئلہ نہیں کیونکہ آپ ویڈیو اسٹوڈیو میں کام کریں تو ادھر وہ مسئلہ نہیں کہ ایک ہی کمپائلر پہ کام کر رہے ہیں, لیکن لینکس پہ چلے جاتے ہیں میک پہ جاتے ہیں ادھر جا کے کمپائلر کچھ اور ہے یا کسی اور ٹول کے لیے کر رہے تو ادھر ضروری نہیں کہ وہ اسٹینڈرڈ کمپائلر. تو اس لیے یہ والا کام نہیں کرنا ارے کے لیے, وہ اسی طرح ڈیلیٹ کرنا ہے. اور دوسری چیز بولتے ہیں, اور ایک اور چیز, اگر ارے کو آپ اس طریقے سے ڈیلیٹ کریں گے اس میں کوئی یہ نہیں کوئی ایشو ہوگا. اس میں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ جو سی پہلی لوکیشن ہے نا اس ارے کی وہ واپس چلے گی, باقی کی آپ کے نام پر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, یہ اور چیز ہے. جو دوسری چیز میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بنایا انٹ سٹار ایکس اکول ٹو نیو انٹ, اور اب آپ کہہ دو کہ ڈیلیٹ اور ایکس. یہ میں کہہ رہا ہوں نو سینٹ طریقہ, اس کو نہ کیجیے گا. یہ چل بھی جائے شاید تو فائل میں لگے اس پہ ریزلٹ کر لیں گے, تو یہ نہیں کرنا. یہ ویسے ایک اور طریقے سے, یہ دوسرے طریقے کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. ڈفرنٹ ریزنس کی وجہ سے دونوں چیزیں نہیں کرنی چاہیے, جو جس کے لیے وہی کرنا. ایک اور بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ نیو کریں ساتھ اس کا ڈیلیٹ لکھ لیں تاکہ آپ بھولے نا. کلاس میں ڈال دو, کنسٹرکٹر میں نارمل نیو ہوتا ہے اس کے ڈسٹرکٹر میں ڈیلیٹ ہوتا ہے, تو ڈسٹرکٹر میں ڈال دیتے ہیں ڈیلیٹ تاکہ یہ چیز نکل جائے. تو خیر یہ ڈائنامک ارے. ڈائنامک ارے میں اب یہ ہوگا کہ یہ جو اب ہم نے ارے بنائی ہے یہ فری اسٹور میں بنے گی, پوائنٹرز کا یہاں پڑا ہوگا, اس چیز کا پتہ ہم نے دھیان کرنا ہے. اچھا, کیونکہ ڈائنامک ارے اس کو ہم بنا سکتے ہیں, توڑ سکتے ہیں, پھر بنا سکتے ہیں, تو ادھر نہ ہمیں فیل اس طرح کی آئے گی کہ جیسے ہم اس کو ریسائز کر سکتے ہیں. پرابلم کیا تھا, جیسے ہم شروع ہوئے تھے ارے بنی سے تین ایلیمنٹس کی رہے اور ہم چاہتے تھے ایک چوتھا ایلیمنٹ ایڈ کر لیں, تو ڈائنامک ارے میں کر سکتے ہیں. لیکن ڈائنامک ارے میں اس سینس میں نہیں کر سکتے کہ اسی جگہ پہ الاسٹک تھا اور کھینچ لیا, نہیں ایسا نہیں ہے. ادھر بھی ایگزیکٹلی وہی لاجک ہے جو کہ اسٹیک کے اوپر لاجک چل رہی تھی کہ ٹھیک ہے کہ فری اسٹور میں بنی ہے, لیکن کسی اور نے, کسی اور پروگرام نے شاید فری اسٹور میں اس کے ساتھ ہی کہیں اس نے لی میموری, کسی اور نے ادھر سے لی. ادھر بھی اس لاجک کے تحت ایگزیکٹلی وہ جگہ نہیں ہوتی ایکسٹینڈ ہوتی. بائی چانس ہو سکتا ہے ہو رہا ہے, اتفاقاً ہو رہا ہے, لیکن بائی رول نہیں ہے. کیا ہے بائی رول نہیں ہے کہ میں نے یہ تین لوکیشن دی, یہ تین لوکیشن ادھر بنی, میں کہ چوتھی لوکیشن ادھر ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ کسی اور پروگرام نے شاید یہاں ریکویسٹ کی اور آپریٹنگ سسٹم نے اسے ادھر سے دے دی ہو. یہ آپریٹنگ سسٹم اس کو مینج کر رہا ہے اس چیز کو. آپ اس کو ریکویسٹ بھیج دو, جب نیو کرتے ہو آپ اسے ریکویسٹ بھیج دو یار مجھے کائنڈلی یہ الاٹ کر دی رہے. پھر کیسے وہ ریسائز ہوتی ہے؟ وہ اس طریقے سے ریسائز ہوتی ہے کہ ادھر نا چیز کریٹ ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. تو آپ کرتے کیا ہے, آپ ایک نئی جگہ بناتے, آپ آپریٹنگ سسٹم کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ذرا مجھے نا چار کی بجائے نا آٹھ ایلیمنٹس کے رہے چاہیے. آپ یہ ارے اوریجنل ادھر ہی بنی ہے, آپ نے آٹھ ایلیمنٹس کے رہے لیفٹ سے یہاں بنا لی کہیں اور اس نے جگہ دے دی اور پچھلا ڈیٹا یہاں سے اٹھا کے ادھر کاپی کر لیا. باہر سے آپ کو اس طرح ہی لگے گا کہ آپ نے شاید وہ بڑھا لی ہے, لیکن وہ اس جگہ کے اوپر نہیں بڑھا, وہ کسی اور جگہ جا کے بڑھ گیا. لیکن کیونکہ رن ٹائم پر یہ ہو سکتا تھا کام, اس لیے آپ کو ایسے فیل ہوا کہ یار کہ میری ڈائنامک ارے کری. حالانکہ ڈائنامک ایگزیکٹلی وہی رول فالو کر رہی ہے جو کہ کمپائل ٹائم ارے کر رہی تھی. نہیں نہیں فائدہ تو ہے, نہیں وہ پھر آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں رن ٹائم پہ ڈیلیٹ کی کمانڈ دے کے. یہ ڈیلیٹ کی ہے کمانڈ رن ٹائم کے لیے نا. آپ کیا کرو گے, ہوگا کیا کام, چلو اس کا کوڈ لکھ لیتے نا, اس کا کوڈ لکھ لیتے اور اس کو بھی تھوڑا کچرے کو صاف کر لیں. اچھا جی, ہوگا یہ کہ یہ آپ کا یہ میموری سپیس ہے,
कोर्ट, लेट्स से कोर्ट का एरिया है, ये हीप का एरिया है या फ्री स्टोर का एरिया है, फ्री स्टोर या हीप, ये स्टैक है हमारा और यहां कहीं ग्लोबल्स है या स्टैटिक वेरिएबल्स। अच्छा, हुआ ये है कि आपने इंट मेन बनाया और उसमें आपने आके कहा कि इंट स्टार डार्क, और एक और वेरिएबल बना लिया इंट डार साइज। आपने लेट से यूजर से इनपुट करवा लिया कि डार साइज है ना, यार बताओ भाई कि आपको कितनी अरे चाहिए। वैसे मैं कोई वेरिएबल भी लिख सकता था यहां, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि यूजर जब तक नहीं चलेगा नहीं प्रोग्राम तब तक आप नहीं बता सकते, बोलते आप फिर शायद कंफ्यूज हो रहे क्या है। और उसके बाद हमने कह दिया कि डार इक्वल टू न्यू न्यू इंट डार साइज, और इसके अंदर अब जो भी हमने उसे इनपुट लेना शुरू कर दी कि यार शायद ये डार साइज था कि इस महीने के टेम्परेचर कितने, फॉर एग्जाम्पल ये वाली कहानी शुरू हो गई, या इस क्लास में स्टूडेंट्स कितने, उनकी अटेंडेंस करना शुरू हो गई। लेट्स से थोड़ी देर बाद डार साहब को ख्याल आता है कि यार ओए होए नहीं नहीं, ये जो मैंने डार साहब ने एंटर यहां क्या किया होगा इस टाइम पे, इन्होंने कहा होगा यार बस चार स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने क्लास में नहीं, ये चार स्टूडेंट हैं जिन्होंने फीस दी है, तो हम इस तरह करते हैं टूर पे जाने के लिए ना चार के लिए क्या काफी होगा, एक मेहरान भी काफी हो गई, उसे एक कल मंगवा लेते जी, चलो जी हो गया। तो जनाब ये बुकिंग करवा ली और ये हमने जनाब चार एलिमेंट्स ये हो गई बुकिंग और डार साहब और टूर रेडी है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि डार साहब जा रहे हैं टूर पे, तो उन्होंने कहा ओहो ये तो नहीं, धगड़ धगड़ जनाब, कोर्स के लिए नहीं टूर की वजह से लोगों ने कहा कुछ फीसें और जमा करा दी है। तो पता चला डार साहब को रिक्वेस्ट मिली, हो भाईजान स्टूडेंट तो 12 हो चुके हुए हैं, तो अब मेहरान से तो काम चलेगा नहीं, और मेहरान को खींचा भी नहीं जा सकता, क्यों यानी फिजिकली के सेंस में तो मेहरान में कैपेसिटी नहीं खींचने की, लेकिन मेमोरी के सेंस में तो हम खींच सकते हैं ना। लेकिन मसला ये है कि यहां से जो चार एलिमेंट्स लिए हैं किसी और ने, शायद यहां से छह एलिमेंट्स ले लिए जो अभी हमें लॉजिक बताई है, तो ये वाला एरिया ये तो हमारे इस्तेमाल में, लेकिन यहां से यहां तक ये किसी और लड़के गार साहब के इस्तेमाल में, अब इसे बढ़ा नहीं सकते। तो होगा क्या, मैं ये करूंगा कि मैं एक और टेम्परेरी एक वेरिएबल बना लूंगा, लेट्स से इंट टी डार इंट स्टार टी डार इक्वल टू और न्यू इंट और लेट्स से मेरा डार साइज को मैं दोबारा यूज करूं, चलो यार दोबारा यूज कर लेंगे डार साइज। अब ये नया डार साइज नहीं मैं इसको कहना चाहता, मैं इसको कुछ लेट्स से न्यू साइज कह देता हूं, न्यू साइज। तो न्यू साइज में हम ये इनपुट ले ली और ये न्यू साइज हो गया। तो होगा क्या, ये जो अब नई चीज बनी है ये यहां कहीं बन गई है, लेट्स से ये इतने बड़े एरिया में बन गई है। अच्छा ये बन गई, अब हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। ये लूप कहां तक चलेगी, डार साइज तक चलेगी, और ये क्या करेगी, पुराने डार से नए टी डार में ले जाएगी चीज को उठा के, टी डार आई इक्वल टू डार। ये लूप क्यों लगानी पड़ी, ताकि जो पिछली पुरानी अरे थी जो कि बड़ी नहीं हो सकी, लेकिन हम रिक्रिएट तो कर सकते हैं उसको, यहां से वैल्यूज को उठा के, ये जो पहली चार वैल्यूज थी यहां से उठा के ये पहली चार वैल्यूज यहां पे आ गई। जैसे ही हमारे पास इनकी कॉपी बन गई है, साथ ही हमें अगला काम जो करना है, तो वो अगला काम ये होगा कि डिलीट कर देंगे डार को, ये डार साहब डिलीट होगा, और ये डिलीट हो गया तो इसका मतलब ये है कि इसकी चाबियां ले ली गई है। होटल में गए थे चार बंदे गए थे, उन्होंने चार बंदों के साथ दे दिया, अब 12 बंदे आ गए, तो उस कमरे से गुंजाइश थी नहीं, तो एक बड़ा हाल कमरा दिया गया आपको, सारे दोस्तों का यार चारों बंदे वहां मूव कर जाओ, जब वो मूव कर गए चाबी आपने वापस की, और नए कमरे की चाबी तो आपके पास थी तभी तो आपने मूव किया, तो ये चाबी हमने वापस कर दी डिलीट करके। और हां इस टी डार को हम डार में ले जाते हैं, ताकि इस कोड से जब हम बाहर निकले यहां से आगे जाए, आगे वाले को पता नहीं कि डार के साथ क्या हो गया, उसे यही लगेगा कि इसका साइज बढ़ गया, आपको विजिबिलिटी नहीं है, बिहाइंड द सीन हो गया, लेकिन कैपेसिटी थी ना इसमें, अब साइज वैसे तो नहीं बढ़ा ट्रू सेंस में जिसका करना चाहिए, लेकिन एक काम हो गया और आपको बाहर आपका इंटरफेस कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो आपको तो यही लगेगा यार इसका साइज बढ़ा दिया गया। तो ये है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना डायनामिक अरे में।
कि उसी जगह तो नहीं पढ़ा साइंस, लेकिन आपने एक नई जगह जाके वो किया, पुरानों को वहां कॉपी किया और फिर इसको चलाना शुरू कर दिया। अगर ये कोड ना होता है, सिंपली एक फंक्शन बनाया होता है, मैं कहता यार रीसाइज कर दो, नेट से रीसाइज एक फंक्शन का नाम होता है, आपको क्या पता था कि अंदर क्या हो रहा है? आपको इस्तेमाल जब आपने करना था फिर आपको यही लगना था कि हाँ यार बाकी रीसाइज हो गया, अंदर जो हुआ है होता है, आपको ये ब्लैक बॉक्स है वो। तो इस तरह के कई काम हो रहे होते हैं हमारे, जो कि हमें बाहर से नहीं लग रहे होते लेकिन हो रहे होते हैं अंदर। जैसे रेफरेंसेज है, रेफरेंसेज भी इंडिया डी रेफरेंस पॉइंटर्स होते हैं, लेकिन बाहर से नहीं फील आती उनकी, इसलिए हम उनको अलग ट्रीट करते हैं, उसके पीछे वो भी वैसे ही है पॉइंटर्स की तरह। डार इक्वल टू टी डार क्यों गया? क्योंकि बाकी पूरा कुरान हमने ना डार के हिसाब से लिखा हुआ था। अब मैंने टी डार बना दिया तो लगेगा यार कोई और भाई साहब है जिनको वो कमरा अलॉट हुआ है, अलॉट तो मुझे ही हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मैं उठा के टाइम वापस कर लिया। अब इस कुरान पे आगे वही डार ही होगा, सारा कोड वैसे का वैसे होगा। नहीं टी डार ने मेमोरी नहीं ली थी, याद ये रखना है, टी डार के पास चाबी थी उस जगह की, वो चाबी हमने उससे लेके टी डार इसको डार साहब को दे दिए। अब इसके पास कुछ नहीं है, दोनों पॉइंट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर ये किसी फंक्शन के अंदर तो डिलीट होगा, असल कंट्रोल इसी के पास पड़ा हुआ है। ये था एक डर्टी कोड हमने लिखा इस चीज का, लेकिन अब हम इसको चाहेंगे इधर साफ सुथरा करके लेके। डार को अगर हम पहले डिलीट कर देते तो पिछले रूम की चाबी तो गुम हो जाती थी, नहीं कॉपी भी हो जाता। जब हम डिलीट करते हैं तो ये नहीं होता कि पॉइंटर उधर डिलीट हो जाता है, पॉइंटर तो उधर ही होता है, आपके पास कंट्रोल नहीं होता उसका, और फिर ग्रांटेड नहीं होता कि आप उस जगह पे कोई वैल्यूज भी पड़ी हो या क्या, ये है मसला है, वो सिर्फ आपके पास नहीं होता कंट्रोल उसका। तो बाय चांस चल सकता है, लेकिन दैट्स नॉट द ग्रांटेड थिंग, तो आपने काम ही नहीं करना। आप कहें यार एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाने कौन सा मसला है, इसके कोई कॉस्ट नहीं होती टेम्परेरी वेरिएबल बनाने की, कुछ भी नहीं। ऑप्टिमाइजेशन लेवल ऑन किया तो समझो ये बनते भी नहीं है, ये जैसे एक मेमोरी के पॉइंटर्स ही होते हैं, आपको इस तरह ये डायरेक्ट एक्सेस की फील आ रही होती है, पीछे पॉइंटर्स ही होते हैं ये भी। अब इसको जरा साफ सुथरा करते हैं चीजों का, हमारा गोल ये है कि हम इसका जरा नीट सा इंटरफेस बनाते हैं। तो क्लास में रखते हैं, क्लास हम लेट से इंट की बना लेते हैं, इंट की नहीं बनाते हैं, इंट और साइजेस भी इंट के होते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा, तो हम लेट से इसको बना लेते हैं शॉर्ट टाइप की या डबल टाइप की बना लेते हैं। एक मिनट यार, डबल की बनाए कि शॉर्ट की बनाए? अरे बताओ कोई एक चीज पिक करो, डबल की ग्रैंड बॉल लंबा लिखना पड़ना है, डबल ठीक है, इसलिए डबल और शॉर्ट को मैं दिया, या एंड इसलिए लिखता हूँ, लिखने में कम पड़ता है कैरेक्टर्स। तो लेट्स से डारी इसका नाम रख देते हैं, नॉर्मली क्लासेस के नाम हम कैपिटल से लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट हो सके और कुछ नहीं, बाकी आपने स्मॉल लिखा है कोई मसला नहीं। ब्रैकेट शुरू हुई, ब्रैकेट खत्म हुई, क्लास बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है इसकी। क्या क्या चाहिए इस क्लास में, क्या क्या होना चाहिए, इसका जवाब हमें देने जा रहे हैं। मोहम्मद अब्बास कहां गया मेरा दोस्त? यार कहां चीज पीछे चला गया यार, बिजी हो गया जाके पीछे। हाँ हाँ ठीक है। हाँ पहले लोग किसी जमाने में नावल पढ़ते थे और जल्दी जल्दी छुपाते होते थे, अब मोबाइल पढ़ते उसके लिए तो लाइट भी नहीं चाहिए होती। जी अब्बास साहब, हमें डार की क्लास में क्या क्या चाहिए, कौन से मेंबर्स लाजमी चाहिए इस क्लास में? एक्चुअली क्लास बेस्ड डिजाइन है, बंदे को ऐसे ऐसे प्रैक्टिस होती है, फिर बंदे बात है शुरू में नहीं होती, बंदे को समझ नहीं आती यार क्या चीज मैंने रखनी है क्या नहीं रखनी, तो ये मसला होता था। लेकिन आप दो तीन दफा जब बनाते हैं तो आपको फिर क्लियर हो जाता है। तो इस डार की क्लास में हमने मेंबर्स कौन कौन से बनाने, जैसे कॉम्प्लेक्स की क्लास बनाई थी तो एक रियल था एक इमेजिनरी था, दो मेंबर्स लाजमी बनाए थे हमने। एक क्लास हम बनाने जा रहे हैं जिसने डायनामिक मेमोरी के साथ डील करना है, अरे की तरह जिसने बिहेव करना है, उसमें क्या क्या चीजें एट द मिनिमम चाहिए हमें? नहीं नहीं, पब्लिक तो उसका एट्रीब्यूट है एक फीचर, क्लास के मेंबर्स क्या होने चाहिए? एक अदद पॉइंटर चाहिए बिल्कुल, और साइज भी पता चले तो बहुत अच्छी बात है, जो कि एकदम हम अपनी स्टैटिक अरे से आगे निकल जाएंगे कंपाइल टाइम अरे से। कंपाइल टाइम अरे को मैं बात का स्टैटिक अरे भी कह रहा हूं, ठीक है,
इसको स्टोरेज क्लास स्टैटिक से ना कंफ्यूज करना, एक स्टोरेज क्लास भी होती है जिसे हम स्टैटिक बोलते हैं। तो पॉइंटर हो गया एक और उसका साइज हो गया, और क्या चाहिए? न्यू तो चाहिए चाहिए, सारी बात है। मेंबर्स कौन से चाहिए? ऐसा तो ये बात ही मेंबर से मुराद है क्लास के कौन से वेरिएबल्स होने चाहिए, मेंबर से ये मुराद लेने, क्लास वेरिएबल्स कौन से चाहिए। वो क्लास वेरिएबल्स जैसी क्लास बनेगी जिंदा हो रहेंगे और तब तक जिंदा रहेंगे जब तक कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाता। चले जी, तो लेट्स मेक इट, ये बाई डिफॉल्ट प्राइवेट होती है। तो चले जी, पॉइंटर हमने डबल डबल स्टार पी और इंट वैसे इसका है ये साइज, ये दो मेंबर हैं इसके। अच्छा, इंट मेन हम आगे बना रहे हैं डार और डी वन, बहुत अच्छी बात की, एक फंक्शन से भी तो काम होता है। बताओ क्या फंक्शन बनाए? अच्छा मैं टोटल बनाने लगा था। चलो जी, ये इन्होंने फरमाइश किया कि यार ये आप क्लासेस में अभी पढ़ गए, उससे पहले एक और स्टेप ले आते हैं, मैं जरा स्किप करना चाह रहा था स्टेप, तो चलो उस स्टेप पे ले आए थे कि यही वाला काम फंक्शन से कर लेते हैं, तो कर लेते हैं यार, ये लो। चले जी, इंट स्टार पी, ठीक है, एक फंक्शन हम बना लेते हैं जो कि क्या करे कि नई मेमोरी ले दिया करे, एक फंक्शन ये काम कर ले के मेमोरी दे दिया करे, लेकिन इनको बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वन लाइन रहता है, तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूं। लेट्स से एक फंक्शन लेकिन लाजमी होना चाहिए कि उसको रीसाइज कर सके, कि वो वन लाइनर्स नहीं है, तो वो बेहतर है कि मैं उनका फंक्शन बना लूं। तो चलें जी, हम कहते हैं कि इंट पी और हमने एक और वेरिएबल इंट नहीं डबल डबल पी और इंट साइज और साइज लेट्स इक्वल टू 7 है, जस्ट मैं सीन नहीं करवा रहा भाई, और हमने कह दिया कि यार अच्छा पी इज इक्वल टू न्यू डबल साइज, ये और हमने काम शुरू कर दिया, कुछ लिखा कोड कोड इसको इस्तेमाल किया और फिर फरमाइश आई कि ओह द न्यू साइज इज इंट न्यू साइज आ गया है 11, तो क्या करें अब हम इसे करना पड़ेगा, इसके लिए हम रीसाइज का फंक्शन लिखना चाह रहे हैं, वो फंक्शन लिखवाने में आप मेरी हेल्प करें कि उस फंक्शन का नाम चलो रीसाइज रख लेते हैं, रीसाइज इसको पास किया हो और रिटर्न क्या करिए जरा आप लोग मुझे गाइड करना, न्यू साइज के ओल्ड साइज न्यू साइज। चलो जी, एक मैंने डाल दिया इसके अंदर कि एंड न्यू साइज चला गया, और क्या जाना चाहिए इसमें? पॉइंटर कौन सा जाना चाहिए? अच्छा पी, और इसकी टाइप है डबल स्टार पी, और रिटर्न क्या करेंगे? साइज साइज तो बाहर वाले को वैसे ही पता था, न्यू एड्रेस वो रिटर्न कर दे, पक्की बात क्या? लेट्स से आप ये कह रहे हैं क्योंकि डबल टाइप की थी तो ये वाला काम कर ले, ये कर ले। कुछ लोग अभी अपनी राय में महफूज रखना चाह रहे हैं, चलो अभी लेट्स से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं इश्यूज हो सकता है गलत हो सकता है, ठीक। चलिए अब हम इसके अंदर आ गए, अंदर आते ही हमने एक काम ये किया कि इसको मैं कह देता हूं कि ये पी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग पी है पॉइंट, एग्जिस्टिंग लोकेशन का जो पॉइंट कर रहा है, तो मैं बना लेता हूं पॉइंट डबल स्टार पी एन इक्वल टू न्यू डबल न्यू साइज, इसका कोई ताल्लुक नहीं अभी तक पिछले कमरे के साथ, नया कमरा मिल गया हमने भाई मिल सकता है, तो न्यू अगर मिल जाता है ना तो न्यू एक पॉइंट रिटर्न कर देता है, नहीं तो जीरो रिटर्न करेगा, ये चेक भी आप लगा सकते हो अपने कोड में कि अगर जीरो रिटर्न होगा इसका मतलब मेमोरी एलोकेट ये रिक्वेस्ट आपकी नहीं कबूल की गई, ठीक है, तो एक नॉर्मली अच्छा
प्रोग्रामिंग क्या होगी कि आप चेक लगाएं, जब भी पॉइंटर आपका होगा ना इस पॉइंटर को चेक करेंगे लाइन में, ठीक है, जीरो तो नहीं है, ठीक है, जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो इसका मतलब मेमोरी नहीं है, आप कोई और काम का सोचे ना, एग्जिट कर जाए, कोई मसला है सिस्टम में, पहले तो उसे हल करें, आपके सिस्टम की मेमोरी कम है, आपकी एप्लीकेशन ज्यादा ले रही है, कुछ वो हल करें, नहीं तो अब आप आगे चले तो चलते रहेंगे, आपके सिस्टम अनडिटरमिनेड बिहेवियर था शो कर रहा होगा, जिसका कोई फायदा नहीं, जिसको डिबग करना एक बहुत गंदा काम है, रुक जाए उधर ही, एज्यूमिंग कि मिल गई है, मैं वो चेक लगाना बार बार पॉसिबल नहीं है, एज्यूमिंग कि मिल गई है, अब हमें क्या करना है कि उठा गए वही लूप लगाई, इंट आई इक्वल जीरो आई लेस देन व्हाट, पुराना साइज है नहीं से पता नहीं, वो भी पास कर लेते, चलो जी, इंट ओल्ड साइज, तो ओल्ड साइज आई प्लस प्लस, और अब हम ये करेंगे कि पी एन, अब ये बिहेव बिल्कुल उस तरीके करेगी जैसे आपकी कंपाइल टाइम में रही होती थी, कि पी एन और पी एग्जिस्टिंग पी में से निकाल के कोई सवाल करने वाला कर सकता है कि यार हमने न्यू साइज से क्यों नहीं किया, सर न्यू साइज से भाई इसलिए नहीं किया कि वो चार एलिमेंट्स के अपने होने थे और चार किसी और के होने थे, वो भी हमने उठा के ले आते थे गंद मारने, जिसका कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, कॉपी कर लिया, और उसके बाद फिर हमने कहा कि भाई हमने पुराने कमरे से चीजें निकाली उस कमरे को आग लगा दो जो भी करना करो चाबी दे दी है, तो हमने डिलीट किया एग्जिस्टिंग, डिलीट कर दिया और फिर पी कर दिया इक्वल टू पी न्यू और रिटर्न पी कर दे, ये वाला काम कर ले, ठीक है, ये अच्छा इस्तेमाल कैसे होगा, इस्तेमाल ये होगा कि हम कहेंगे कि न्यू साइज ये है भाईजान, तो आप इस तरह करेंगे पी इक्वल टू रीसाइज पी न्यू साइज और सिंपली साइज, फंक्शन मान से ये होगा कि ये सारा गंद हाइड हो गया हमारा इसके अंदर, हमें ऐसे ही लगेगा इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के यार वही अरे बढ़ गई, आपको इस जगह इससे कोई गर्ज ही नहीं कि यार मेमोरी में वो 2 GB प्लस 4 में बैठा है कि 2 GB प्लस 1000 में बैठा है, कोई गर्ज नहीं, आपको जगह से करता है कि जगह मिल जाए तो उसने दे देनी है, ठीक है, ये फंक्शन कोई मसला नहीं, ये वाला पॉइंटर जैसे इधर कहेंगे चाबी की हमसे गुम हो जाएगी, नहीं, लेकिन हमने गुम नहीं होने दी, हमने उस चाबी को रिटर्न करवा दिया, इनफैक्ट ये असाइनमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट पीएन कर सकता था क्योंकि बाहर जाके वो उसी पी को ही तो जा रही है, तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, तो ये ठीक है, वर्किंग है, सही है, इसमें कोई मसला नहीं चलेगा, दूसरा इसका तरीका करने का क्या हो सकता है, जिस तरह के स्वैप पॉइंटर स्वैप नहीं आपसे करवाते हैं उसमें जवाब में क्या है? कि आप इसकी टाइप वॉइड रखें या वॉइड ना रखें, इसकी टाइप ना बेसिकली ना इस फंक्शन का थोड़ा सा इशू ये है कि ये फंक्शन हैंडल ऐसे कर भी सकते हैं खरा आप इसमें, नहीं ठीक है ये फंक्शन भी सही है चलेगा, अल्टरनेट वर्जन इसमें क्या हो सकता है, अल्टरनेट वर्जन इसमें यार ये हो सकता है कि बाय रेफरेंस पास करते हैं इसको आप और इसकी रिटर्न टाइप वॉइड कर रहे हैं आप, यानी उसकी डिक्लेरेशन क्या हो जाएगी वो फिर इस तरीके से हो जाएगी वॉइड रिसाइज और डबल स्टार एम्परसेंड पी और बाकी फिर वही पूरी कहानी, अब आपके लिए लेकिन लाजमी है कि अब आप जो चेंज करेंगे कि पी ई इक्वल टू पी एन करें, नहीं तो नहीं हुआ होगा, अब जब आप वापस जाएंगे तो क्योंकि बाय रेफरेंस पास हुआ है इसका मतलब ये जो चेंज है ये बाहर भी रिफ्लेक्ट होगी तो ये ठीक हो रहेगा काम, ठीक है, तो ये बड़ा पावरफुल से आप मेथड आ गया आपके पास, अब इससे आप रिसाइजिंग कर सकते हैं, तो डायनेमिक अरे के फायदे तो शुरू हो गए, तो मैं इस स्टेप को बेसिकली स्किप करवा के मैं क्लास में इसको करना चाह रहा था, सिर्फ ये था मसला और कुछ नहीं, मैं चाहता हूं मेरा गोल ये है कि यार हम अपनी डायनेमिक अरे को उसी तरह इस्तेमाल कर सकें कि जिस तरह हम अपनी कंपाइल टाइम अरे को करते हैं, बिल्कुल वैसे इंटरफेस लगे आपको, मैं इस गोल के साथ स्टार्ट होना चाहता हूं।
तो लेट्स परसू डैट थिंग और फिर हम देखेंगे क्यों इसका फायदा क्या हुआ उस तरीके से जानेगा. अच्छा ये हमने वेरिएबल्स बना लिए दो और देखें ऐसे ही दो वेरिएबल्स हमने इधर भी बनाए थे फिर उनको उठा के हमने क्लास का मेंबर बना दिया. ठीक है कभी क्लास का बनाने का ना हो तो आप सिंपल वो देख लें और फिर देखेंगे यार कौन सी चीज है जो कि मुझे उस चीज को चलाने के लिए हमेशा चाहिए होगी तो वो उनका एक पॉइंट और एक साइज वो चाहिए होंगे. तो इसलिए मैंने इनको एक क्लास का मेंबर बना दिया. अब मैं क्या करता हूं मसला क्या है ये इतना इजी टू यूज नहीं है इसको इस्तेमाल करना. जब आपने एक रे बनानी थी तो आपको तीन लाइनें लिखनी पड़ेंगी फिर आगे काम करने के काबिल हुए आप. और जब फाइनली जब सब कुछ कर लेंगे तो जाते हुए याद रखना है कि डिलीट भाई कर रहे हो इसे. अब ये वाली चीजें मिस हो सकती हैं इनमें से. ये बहुत रेशन है एक रे बनाना तो पहली बार सीख रहे हैं बड़े खुशी से बनाएंगे लेकिन चार बनानी पड़े तो काम पड़ जाएगा. और जब भी आपको कोड डुप्लीकेट करना पड़ता है डंकी वर्क करना पड़ता है उसमें एरर के चांसेस होते हैं काफी ज्यादा. हमने बचना होता है बींग अ प्रोग्रामर हम नई टेक्निक्स इसलिए प्रोग्रामिंग की सीखते हैं ताकि हम वो एरर्स प्रोग्रामिंग करते हुए कम कर सके. बाकी तो मैंने बताया कि इस रीसाइज के अंदर पता नहीं जिस मर्जी तरीके से आप करके कर लो इंडियन अगर वो रीसाइज कर रहा है तो मुझे इससे कोई खर्च नहीं है. लेकिन जो बंदे ने जिसने वो लिखा मैं चाहता हूं उसकी जिंदगी जरा सुकून में रहे. क्लासेस हमें उस बंदे की जिंदगी आसान करवाती है. वो कैसे इंट साइज हो गया हम एक बनाते हैं जनाब इसका एक कंस्ट्रक्टर लेट्स से पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स हमारे पब्लिक होते हैं दरअसल. तो ये कंस्ट्रक्टर आगे कैसे पता चला कि कंस्ट्रक्टर आगे उसका नाम वही है जो कि क्लास का नाम है और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है. इस कंस्ट्रक्टर को क्या पास हो चाहते हैं हम इसको कैसे इस्तेमाल करना इसको हम इस्तेमाल चाहते हैं कुछ किधर मैं लिखूं वो कोड. मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि यार ये कोड आपके जहन में रहेगा तो मैं इसको मिटाने लगा हूं थोड़ा टाइम ही. चाहते हैं हम इसको इस्तेमाल करना ऐसे हैं कि यार लेट्स से डार डी इस तरीके से कि तीन एलिमेंट्स की रे बन जाए. अब ये देखो ये कितना कॉम्पैक्ट है एज कंपेयर टू दिस थिंग. इवन न्यू शो कुछ नहीं याद रखना पड़ रहा और अगर इसको मैं डिस्ट्रक्टर भी सही तरह इस्तेमाल कर लूं तो मुझे डिलीट की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं वो डिलीट भी खुद ब खुद हो जाया करेगा. ये एक फायदा हो जाना है एलिगेंस आ रही है अब आपके प्रोग्राम में जो पहले मिसिंग थी. तो कैसे होगा आप देखें इसे वो पॉइंटर नहीं पास हो रहा बाहर से साइज से उसको गर्जी कोई नहीं है बाहर वाले को पॉइंटर से उसे तो एक जगह चाहिए जहां वो चीजें हो सके साइज उसने बता दें बस ये उसका काम है. तो हमने कह दिया अच्छा इंट साइज इन ये इनपुट जो पास हुआ. अब इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है नाम भी मैंने इसलिए चेंज किया अगर साइज लिख देता तो कंफ्यूजन होती नहीं इसका कोई ताल्लुक नहीं. इनिशियलाइजर लिस्ट इस्तेमाल की हमने क्या हमने कहा साइज इज इक्वल टू नहीं हो सकता कंस्ट्रक्टर स्टाइल है ये हो गया और ये ब्रैकेट शुरू तो हमने साइज को इनिशियलाइज कर लिया और अब कोई साइज इनके ऊपर कोई चेक लगाने तो आपकी मर्जी है कि यार जीरो तो नहीं आ गया माइनस में तो नहीं किसी ने दे दिया ये कुछ और तो नहीं हो गया इतना के चेक्स लगा लेंगे. अभी तो हम अज्यूम करेंगे परफेक्ट वर्ड चला जिसमें इस्तेमाल करने वाला कोई गलतियां नहीं करता हालांकि होती हैं सारी गलतियां बाय चांस हो सकती हैं या बाय अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है. अंदर ये क्या करेगा अंदर वो जो लाइन थी ना न्यू वाली वो इस्तेमाल कर लेगा कि पी इज इक्वल टू न्यू डबल और साइज साइज हो गया तो साइज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जब मैंने अब डार थ्री लिखा तो ये काम हो चुका होगा और आपके लिए बड़ा नीट सा इंटरफेस है बाहर मिल गया. अब आप इसे 10 बनाए वो आसान है बनाना बताया कि वो प्रोसेस पूरा रिपीट करते हैं चाहे फंक्शन भी बनाया होता तो एक साइंस बन जाने की वो ठीक है ना. यहां तक तो हम एक पेज पेज है. डिलीट का काम कैसे हल कर रहे हैं इसका इसके लिए मैं कह रहा हूं डिस्ट्रक्टर इस्तेमाल करें वेव का साइन डार लिख रही है आर्गुमेंट ये तो फिर आर्गुमेंट ले लेता ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है और इसने क्या करना है इसने आके जनाब डिलीट कर देना है. किसको डिलीट कर देना है ये तो होगा क्या अब आप इस्तेमाल करके चले ना आपको पता है जब भी ये मेरा इस्तेमाल करने से क्या पता मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लेट से बनाया था इसके अंदर काम शाम किया जब मैं इस ब्रैकेट से बाहर निकला
तो इस डार का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, उसको डिलीट कर देगा, आपको परेशानी की कोई जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद ही वो काम हो रहा है। अब ये बड़ी ब्यूटी है कि यार कोई असिस्टेंट आपको मिल गया हुआ है जो कि ये कुछ काम कर लेता है, जो शुरू में करने वाले काम मिल जाता है और जो आखिर में जाने करने, जैसे इस कमरे में हमने आना है तो आते ही लाइट जल रही हो, मीडिया चल रहा हो, ये वो, अगर ये काम अगर हुआ हो खुद बखुद हो जाए तो कितनी सहूलत है, और जब मैं इस कमरे से जाऊं तो खुद ये चीजें सारी बंद रहे तो कितनी सहूलत है। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर हमें यही फैसिलिटी दे रहे हैं, यही सहूलत दे रहे हैं कि जब हम उसे बनाते हैं तो जो सेटअप के टाइम पर करते हैं काम वो सारे कर देते हैं, और डिस्ट्रक्टर क्या करते हैं जब हमने निकलना है, हाउसकीपिंग है, ये वाले काम डिस्ट्रक्टर कर देते हैं। ठीक, तो इससे प्रोग्राम आपका बड़ा खूबसूरत भी होता है, कम्पैक्ट भी होता है, गलती के चांसेस कम हो जाते हैं इसमें। अगेन एक चीज याद रखिएगा, ये थ्रेड सेफ नहीं है। आप ये काम कर रहे थे, आपकी मल्टीपल थ्रेड चलेंगे, कौन थ्रेड में चलेगा, इधर बीच में और उधर एक्सेप्शन आ गई, अब आप हो सकते इधर कभी रिटर्न ना करें, अब डिस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा क्योंकि आप कभी एंड ब्रैकेट तक पहुंचे, तो इसमें मेमोरी लीक्स के हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे काम हो रहे हैं। वो तो उधर भी था थर्ड सेफ वाला, वो मसला उधर भी था, डायनेमिक मेमोरी में ये कुछ चीजें होंगी जिसको हम देखेंगे फिर हैंडल कैसे करते हैं। आगे चलते हैं जी, तो हमारा मासूम सा डार, लेकिन अब ये डार करता कुछ नहीं है, बनता ही और बिगड़ता है और कुछ नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं हम कर सकते। इस्तेमाल कैसे करेंगे इसे? पी तो प्राइवेट है, याद इसको पब्लिक एक्सेस दे दें, पब्लिक एक्सेस दे दी तो हो सकता है कोई इसके साथ छेड़छाड़ करे, इसमें कोई वैल्यू गलत लिखवा दे, बहुत बुरी बात हुई थी ये तो, और पॉइंटर्स के साथ कोई इस तरह नहीं, तो बहुत जलील होता है। तो गेट सेट से कुछ कर लेते हैं, कुछ सेट हो जाए इसमें वैल्यूज कुछ हो जाए, तो सेट का फंक्शन एक बन जाए, तो ले सेट का फंक्शन बन जाता है यार, क्यों परेशान हो रहे हैं। वाइड सेट, सेट को क्या आर्गुमेंट्स होने चाहिए आपके ख्याल में? क्यों नहीं मिसाल साहब, क्या आर्गुमेंट्स होने चाहिए सेट को? जस्ट आइडिया, बेसिकली करना क्या चाहते हैं, देख लो हम चाहते हैं कि तीन एलिमेंट्स की अरे तो बना दी, उसे बना दी, हम मैं कहता हूं यार पहले एलिमेंट में दो पढ़ाओ, दूसरे पे तीन, तीसरे पे चार, ये कैसे करें? इसलिए क्योंकि प्राइवेट मेंबर है पी, तो मैं ये काम नहीं कर सकता कि मैं करूं, लेट्स से अगर ये पब्लिक होता है, अज्यूमिंग ये पब्लिक है, अगर ये पब्लिक होता तो फिर मैं ये काम कर सकता था, मैं लिखा डी डॉट पी अगर पब्लिक होता फिर मैं ये कर सकता था, लेकिन जैसे मैंने किया कंपाइलर साथ इस पे ऐड दे देना, अब ये काम तो नहीं हो सकता, अब इस थ्रू सम डोर जाना पड़ेगा, थ्रू सम गेट जाना, और गेट्स क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं, फंक्शन बनाना पड़ेगा, हमने ये फंक्शन बना लिया, इस फंक्शन को आप क्या क्या आर्गुमेंट देंगे वो वैल्यू सेट हो जाए, क्या क्या चाहिए होगा सेट करने के लिए ये आप बताएं, देख के मिसाल और अम्मा के मान दोनों हमें सोच विचार करके जवाब बताएंगे कि हम इस पी के अंदर कोई वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, पी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने एक सेट का फंक्शन बनाया है, उस सेट के फंक्शन को हम क्या आर्गुमेंट्स पास करें कि पी में उस जगह पे वो चीज लिखी जाए, क्या आर्गुमेंट्स होने चाहिए? किसी भी अरे में जब लिखवा तो क्या क्या क्या, क्या, क्या चीजें चाहिए होती हैं? एक जगह कि किस जगह पे लिखना है, दूसरी वो वैल्यू जिसको हम लिखना चाह रहे हैं, ऐसा ही है इधर भी, ऐसा ही है, एक हमें इंडेक्स चाहिए उस अरे का और दूसरा वो वैल्यू चाहिए जो हम लिखवाना चाह रहे हैं, तो लिख देते हैं, ये ले लिया इंडेक्स आ गया, इंट आई इंडेक्स हो गया, और जो टाइप है इसकी डबल वैल लेट्स से, ये ले लिया, ये हमने पास कर लिया, तो होगा क्या, ये वाली चीज तो चल नहीं सकती, अब हम बाय से डी डॉट सेट कॉल करेंगे, उसे बताएंगे कि यार लोकेशन जीरो पे जाके टू लिख दो, ये लिख देगा, अभी लिखा तो खैर नहीं है इसे, तो ये लिख देगा क्योंकि ये अब फंक्शन इज पार्ट ऑफ द क्लास, ये एक्सेस कर सकता है इस दोस्त को अपने को, ये लिखे पी ऑफ आई इक्वल टू वैल, दैट्स ऑल, वो लगा हो रहा है, ठीक कि नहीं? और ये तो मैंने वैल्यू लिखी है जाके, अगर लेट्स से इसको मैं अपना प्रिंट करवाना चाहता हूं तो क्या करूं, कि यार जो जीरो जगह पे जो चीज पड़ी है वो प्रिंट हो रहा है, तो मुझे कोई डी डॉट गेट चाहिए जिसे मैं लोकेशन बता दूं कि ये है, तो वो मेरे रिटर्न कर देंगे उस जगह पे क्या पड़ा हुआ, तो अगर मैं इस डिस्ट्रक्टर को डिलीट कर दूं
इसकी टाइप वो होगी जो कि जिस टाइप का ये रे बनी हुई है डबल गेट, इसे सिर्फ अब इंडेक्स पास होगा क्योंकि हम इससे सिर्फ लोकेशन बता रहे हैं, और ये क्या करेगा रिटर्न पी ऑफ दैट्स ऑल। अब वो चीज चल पड़ेगी, तो हमारे बनाना तो आसान हो गया था लेकिन इसको इस्तेमाल करना बड़ा अननेचुरल है। अरे वाली ब्यूटी नहीं है इसके अंदर कि मैं सिंपल ब्रैकेट्स डाल के वो दे रहा हूं, ये थोड़ी लंबी साइंस बन रही है। अच्छा चलो वो ब्यूटी तो डालते रहेंगे, अब हम और क्या क्या कर सकते हैं। रीसाइज का फंक्शन जो अभी मैंने मिटा दिया है, उस रीसाइज के फंक्शन को अंदर डालते हैं, उसका फायदा क्या होगा। कल कला ये मैंने अभी तीन ही एलिमेंट्स की बनाई थी, मैं कहता हूं नहीं यार मुझे डी डॉट रीसाइज कर दो और इसको लेट्स से सिक्स कर दो, तो बस ये इतनी सा काम करना है, वो रीसाइज सिक्स हो जाएगा, फिर टेन करना टेन कर देगा, खुद बखुद हो जाएगा फिर ये काम। वो फंक्शन स्पेशल कॉल नहीं, इसके साथ ही जो एसोसिएटेड है वो उस पॉइंट के साथ वो कर लेगा इसका। तो ये फायदे कुछ मिल गए हैं। बाकी अब मैं चाहता हूं इसको अरे की तरह की मैं एक्सेस भी दे दूं, उसके लिए मुझे ऑपरेटर एक ओवरलोड करना पड़ेगा, और वो ऑपरेटर होगा कौन सा, स्क्वायर ब्रैकेट्स वाला। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं मेरा ख्याल में, तो शायद काम हो रहा है। देखो हम चाहते क्या है, अगर कुछ लोग अगर उसको फॉलो नहीं किया, हम चाहते ये है कि डी डॉट सेट मुझे करना पड़ा ना कि जीरो लोकेशन पे टू लिखवा दो, हम चाहते हैं कि यार हम लिख सकें डी, ये काम चाहते हैं। और सी आउट हम चाहते हैं, ये हम चाहते हैं, दिस इज मोर नेचुरल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। हम चाहते हैं कि हमारा इंटरफेस भी जरा नेचुरल हो रहा है, इसका डेटा सेंस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जितना हम उतना करेंगे उतना हमारे लिए ईजी होता है, पढ़ना आसान होता है, काम करने में याद नहीं ज्यादा रखना पड़ता, वही स्टाइल होते हैं तो याद नहीं रखना पड़ता, क्या करें इधर। तो ठीक है कर क्या होगा इसका कि डबल ऑपरेटर और ऑपरेटर कौन सा है, एम्परसैंड भी डाल दिया क्योंकि उसका रेफरेंस आ रहा बाहर, और बस एंटाई बता देना। जैसे ही हमने ये काम किया साथ ही जनाब ये वाली चीज अवेलेबल हो गई हमें, ये वाली चीज अवेलेबल हो गई, रेफरेंस गेट करने के लिए तो नहीं चाहिए, रेफरेंस सेट करने के लिए चाहिए होगा क्योंकि हमारा वही ऑपरेटर वही काम कर रहा है। अगर तो मैं सिंपल गेट कराना तो फिर ये चीज नहीं चाहिए, फिर तो मैं सिंपल रिटर्न करा दूंगा। ठीक है तो होगा क्या जब मैं ये चीज नहीं होगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीज हो जाएगी, जब ये एम्परसेंड नहीं होगा तो रिटर्न क्या करता होता है कि ये जो चीज पड़ी हुई है इसकी कॉपी बाहर मिलेगी। ठीक है अच्छा जब किसी चीज की कॉपी मिल रही है बाहर, डेट कैन नॉट बी एल वैल्यू, लेफ्ट असाइनमेंट के लेफ्ट पे नहीं आ सकता, एक एल वैल्यू होता है एक आर वैल्यू होता है, एल वैल्यू क्या होता है जो इक्वल के लेफ्ट पे आ सकता है, जैसे ये चीज इसके लेफ्ट पे आ रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये फंक्शन मैं लेके इक्वल टू डाल दूं तो ये नहीं आ सकेगा, थ्री इक्वल टू सेवन जैसे नहीं आ सकता है, वो एल वैल्यूज नहीं है। एल वैल्यू बनाने के लिए मुझे इसका रेफरेंस चाहिए, जब मैंने एम्परसेंड डाला तो होगा क्या, अब इसकी कॉपी नहीं जाएगी, ये जो लोकेशन है इस जगह का रेफरेंस बाहर चला जाएगा, और जब वो बाहर वो चेंज होगा तो ये चीज भी ओरिजिनल चेंज होगी। पहले ओरिजिनल चीज बाहर होती थी चेंज हम अंदर करते थे, अब ओरिजिनल चीज अंदर पड़ी हुई है चेंज हम उसको बाहर से कर रहे हैं, ये फायदा है, और ये पावर इस चीज से आई है इसमें। तो होगा क्या जैसे ही आपने ये वाला काम किया ना सिर्फ आप ये वाला काम भी कर रहे हैं, और अगर एम्परसेंड डाल दिया तो ये वाला काम भी आप कर रहे हैं, ये दोनों काम हो रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। और ये अब देखो नेचुरल फील है इसकी, अब आपकी वही जो डायनामिक रेक है शुरू हुआ था वो ये ठीक से उसमें पावर आती जा रही है। अब एक दो और काम कर लें तो ये बेसिकली हम वही चीज कर लेंगे जो कि आपने वेक्टर्स बनाते हैं, ये वेक्टर बन चुका हुआ है तकरीबन आपका, वो वेक्टर आपका टेम्पलेट बेस्ड होता है तो आप इसे टेम्पलेट बेस्ड कर लें, कोई रोक रहा है आपको। हेलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले हमने लिखा टेम्पलेट, लेट्स सेट टाइप नेम टी, जहां जहां डबल आया वहां हमने मिटा के कर दिया टी टी, जहां ब्लू था वहां ब्लैक कर दो, जहां ब्लैक वहां ब्लू कर दो ताकि दूर से नजर आ रहा है टी टी
इंट तो साइज है, साइज तो इंट में रहना, साइज कभी भी डबल ऑफ फ्लोट में नहीं होगा, वो इंटीजर ही होगा, दैट इज अ डेफिनेट नंबर है, होल नंबर है. तो जनाब जैसे ही अब ये काम किए, अब ये डार हमारा बड़ा शरादा हो गया, कहता है कि यार जब भी बनाओ, जब भी बुरे इस्तेमाल करो, बल्कि इधर इधर अब चेंज करनी पड़ेगी. डार हम कहेंगे डबल, डार साहब आप डबल के लिए बन रहे हैं, और ये बन गए आप, डेट्स ऑफ ये बन गया डार साहब. मुझे वो ऑपरेटर जो हमने ओवरलोड किया है वो क्या करेगा कि भैया जो हम उसको लोकेशन पास करेंगे उसमें वैल्यू नहीं पाएगा. वो क्या करेगा ऑपरेटर, क्या करेगा? अच्छा एक मिनट, अभी एक मिनट, हम थोड़ा आगे चले गए, अभी हमारी गाड़ियां हमें पता पिछले स्टेशन पे खड़ी हैं, चले पिछले स्टेशन पे चलते हैं. प्रॉब्लम क्या है, पिछले स्टेशन पे वापस आ रहे हैं, इधर उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, ये हम टेम्पलेट पे एकदम बहुत जल्दी पड़ी थी. हुआ ये है, जो जो गौर की बात है, आप गौर करें कि हमने ये जो फंक्शन लिखा है इसे आर्गुमेंट सिर्फ एक पास हो रहा है, क्या इंडेक्स का, और सेट के फंक्शन में तो भाई हमने वैल्यू भी दी थी, ये भी दी थी, तो अब हम कैसे कह रहे हैं कि हम सिर्फ इंडेक्स पास करके ये काम कर सकते हैं. उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जब हमने एम्परसेंड लगाया ना, तो हमने कहा कि यार जब हमने ये चीज लिखी तो हमने बेसिकली ये होती क्या है ये चीज, ये तो मैंने इस तरीके से लिखा ना शॉर्टेस्ट वे में, लेकिन अगर लॉन्गेस्ट वे में लिखूं तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा, डी डॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर ये वाला और उसका जीरो वाला और उसका ये लॉन्ग फॉर्म में इस तरीके से होता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वो लिखी है. अब उनका सवाल ये है कि यार ये फंक्शन कहां लेफ्ट पे है, वैल्यू तो मैंने इसको अंदर तो कोई नहीं पास की, इसे तो मैंने सिर्फ इंडेक्स दिया, तो ये फिर असाइन कैसे हो रही है? तो हम कह रहे हैं कि भाईजान हमें इसलिए तो रिटर्न बाय रेफरेंस करवाया, वो इस जगह का रेफरेंस, इस जगह का रेफरेंस रिटर्न कर रहा है. तो इधर से ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन ने खुद कुछ सेंड नहीं किया अभी तक, इसने जस्ट उस जगह का रेफरेंस उठा के ले आया. अगर वो रेफरेंस आ गया और आप सी आउट ये कर दे तो उस रेफरेंस का जो भी आपको उसने डिस्प्ले कर दिया, लेकिन क्योंकि रेफरेंस है नाउ दैट कैन कम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट एज वेल. अभी इसके इधर आया, जो रेफरेंस है वो रेफरेंस बाहर आ चुका है, फंक्शन कॉल है वो रेफरेंस रिटर्न किया और उस रेफरेंस के अंदर हमने टू लिखवा दिया, ये काम किया, इसलिए हमने उसे आर्गुमेंट पास वैल्यू वाला नहीं किया, क्योंकि हमने रेफरेंस बाहर मंगवा लिया. एक तो हम कमरे में जाते जाके उसके अंदर डाल के आते, हमने कहा नहीं बेटा जरा जाओ उस बंदे को जरा घेरू करके ले आना, जरा ले आए, फिर धड़ल दो लगाए, फिर तो इससे बड़ी पावर आ गई हमारे पास रेफरेंस से और इनके कम्बिनेशन से, रखे हमारा वो लुक बड़ी नेचुरल हो गई. और बाय द वे कभी इस तरीके से हम लिखेंगे नहीं इंशाल्लाह, हम तो शॉर्टेस्ट करेंगे. ये हो गया तो हमारी तो ये था पिछला स्टेशन, ये पिछले स्टेशन की बात क्लियर हो गई, नहीं भी क्लियर हुई कोई मसला नहीं, इस जाप को जरा प्रोग्राम करके डिबग कर जरा देखना कि हो क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसी तरह मैं ऑपरेटर करके किया था ना, यही वाला काम कर लेना, उसका रेफरेंस एक रेफरेंस वेरिएबल में चाहे सेव करा लेना और देखना हो क्या रहा है. ये दरअसल इसका सबसे बड़ा मसला है कि एक लाइन में ना बहुत पावर है इसकी, बहुत सारे काम है और हमें पता ही नहीं चलता कि हो क्या गया. जब बहुत सारे काम एक में, फिर आपको चाहिए कि आप मैनुअली तोड़ लें इसको, आप मैनुअली तोड़ें इस काम को, देखें कैसे हो रहा है. आप एक फंक्शन बनाए जो कि रेफरेंस रिटर्न करें, ये तो अभी ऑपरेटर को ओवरलोड किया ना, ऑपरेटर ओवरलोड बगैर किए रेफरेंस रिटर्न करा लें और उसको साथ वैल्यू साइन करें, आप देखेंगे वो हो रही है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो सिर्फ उसका शॉर्ट वे दे रहा है. ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या करता है, जो लंबे लंबे फंक्शंस के नाम पे उनका स्टाइल ऑफ सिस्टम वो खत्म करके एक शॉर्ट तरीका देता है, कुछ नहीं. ऑपरेटर ओवरलोडिंग से ये पावर नहीं आई, पावर इस रेफरेंस को रिटर्न करने से आई, वो तो एक जैसे उसने शॉर्ट वे दिया था. ठीक है, हम अगले सेशन पे क्या कर रहे थे, टेम्पलेट बेस्ड कर रहे थे जो कि हमने कर लिया हुआ है. तो टेम्पलेट बेस्ड जब हमने कर लिया तो डार डबल डी थ्री, अब ये डबल टाइप की बन गई, और क्योंकि टेम्पलेट बेस्ड है तो कोई हमें नहीं रोक सकता कि हम कहें कि इसको शॉर्ट एस 700,000 बस और बड़ा, इसमें बहुत बड़ा दिल बनाने करेगा. ये मसला एक हीप बहुत बड़ी मेमोरी होती है, स्टैक के ऊपर बहुत बड़े नहीं बना सकते आप, स्टैक रहता है, स्टैक एक लिमिट का होता है, आपको जाके प्रोग्राम कंपाइल करते हैं स्टैक का साइज चेंज करना पड़ता है. हीप तो जितनी आपके सिस्टम की मेमोरी अवेलेबल है कुछ निकाल के बाकी हीप के कामों के लिए होती है, तो उधर आप बड़ी बड़ी बनाते हैं 70,000 कुछ भी नहीं, ये मन के खत्म.
اب ذرا اور ادھر بلایا, یہ بھی کچھ بھی نہیں, ہم تو کہتے ہیں ذرا اور کچھ بن جائے, جیسے 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 1000 ایک دن ہو گیا, 1 میگا, 1 میگا تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے, 10 میگا, ہاں اب ذرا بلایا, چلو یار یہ 100 میگا اور بنا, اوکے بن گئی, 100 میگا بھی کوئی مسئلہ نہیں, بن جائے گی, 200 میگا تک کے ڈبل تو بن جائیں گے, کیونکہ ڈبل ہے نا, تو ڈبل 8 بائٹس کا ہے, تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے کہ ان دی اینڈ یہ 4 گیگا, کیونکہ 32 بٹ انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, تو 4 گیگا تک کی آپ کو میرے خیال میں ملے گی کنٹیگس جو اسپیس ملے گی, تو وہ تو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہے, تو نارملی اس سے کچھ کم ہوتا ہے, تو 2-3 گیگا کی آپ بنا سکتے ہیں بائی دے وے, تو بن گئی نا, تو ہماری ایک ذہین سا, اچھا یہ ارے اب ہماری, اب یہ تو ہم نے ایک بنانے کا طریقہ دیکھا, اس کا ڈیٹا سٹرکچر سے تعلق نہیں تھا, لیکن ہمیں آنا چاہیے پتا چلے کہ چیزیں بنتی کیسے, ایسے ہی باقی ڈیٹا سٹرکچرز بھی بنا کریں گے ہمارے, اور کلاس بیس بنیں گے تاکہ ہم ان کی جو کمپلیکسٹی ہے نا کلاس کے اندر ہائڈ کر لیں, دیکھیں یہاں وہ کمپلیکسٹی نظر نہیں آتی جو باہر ہے, جو اس کے اندر تھی چھپی ہوئی ہے, تو ہم نے چھپایا کرنی ہے, کلاسز کا کام یہ ہے کہ اپنی کمپلیکسٹی ساری ہائڈ کر لیتی ہیں اندر, غلطی کے چانسز میں اور بھی کم ہوتے ہیں کہ انکیپسولیٹڈ پوائنٹر دیکھو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا, وہ ساری چیز تو پوائنٹر نے کی ہوئی ہے, باہر کسی کو پتہ بھی نہیں کہ پوائنٹر کون ہے, وہ پرائیویٹ ہے سارا اس کا, اچھا اور اس کے علاوہ پھر آپ اس کے اندر آپ چیکس لگا سکتے ہیں, یہ جو تھا نا آئی پاس ہوا, اس کے اوپر آپ چیک لگا سکتے ہیں, کیونکہ فنکشن ہے, آپ جو مرضی پروگرام کریں, آپ کہیں گے یار اف آئی از لیس دین 0 اور آئی از گریٹر دین اور اکول ٹو سائز, تو آپ کہو گے اس کے اوپر ایکسیپشن تھرو کر دو, آپ غلط کام کر ہی نہ ہو, آپ یہاں ایکسیپشن تھرو کرا سکتے ہیں کہ تھرو انڈر فلو یا آؤٹ آف رینج ایکسیپشن آگے کر سکتے ہیں, کلاسز کے اندر ریٹرن کوڈ کرانا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, ایکسیپشن چاہیے ہوتی ہیں, وہ پھر بڑا مزہ ہوتا کام, ان ایکسیپشن کو ہم کیچ کر لیتے ہیں پھر, لیکن ابھی ایکسیپشن میں ہم جا نہیں رہے تو ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں, اچھا جی تو یہ ڈار صاحب کے تھے کچھ فائدے, ٹیمپلیٹ بیس بھی ہم نے کر لیے, جو آپ لوگوں نے ویکٹرز پڑھے ہیں نا, جو ویکٹرز ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ہیلو یہ وہ یہ ہوتے ہیں, اندر کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بننے کی سائنس ان کی یہی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایک چھوٹو سا ایک ویکٹر بنا لیا, پولا سا ایک ویکٹر ہے جس میں ابھی آپ ذرا اور سائنس سے ڈال سکتے ہیں, وہ ویکٹر کیا کرتا ہے, ویکٹر تھوڑا سا نا فنکار ہے, وہ کیا کرتا ہے تھوڑی سی سائنس سے اندر بھی کر لیتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا آپ نے 10 ایلیمنٹس کی مانگی ہے, کہتا ہے یار یہ بندہ شرادہ تھا ہے, ہو سکتا ہے کل کو کہا کہ مجھے 12 ایلیمنٹس چاہیے, وہ کیا کہتا ہے چپ کر کے نا لیٹس سے 1.5 سے ملٹی پلائی کر لیتا ہے, وہ 15 کا میموری لے کے رکھ لے گا اپنے پاس, بولے یہ ایسے ہی ہے, آپ نے کہا کہ بھائی ایک گلاس پانی تو پلا دے, جب وہ لے کے آئے دوسرا بولا یار مجھے بھی پلا دے, اگر وہ بندہ سمجھدار ہوا اگلی تو اس نے جگ لا کے پہلے ہی رکھا ہوگا, انہوں نے بات ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا, ہوتا تھا یہ 6 لوگ مانگ لیں جو کہ جگ سے نہیں پورے ہوں گے, لیکن 4 لوگ تو آپ ہو جائیں گے, اس کے لیے جائیں ویکٹر یہ والے کام کرتا ہے, وہ ہم تھوڑے سے ویکٹر کی جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس رنگ پڑیں گے, تو یہی ہوتا ہے اس کا ذرا سویلائزڈ یا اپ گریڈیڈ ورژن جسے کہتے ہیں, ماڈل 2018 نہیں 2018 تو نہیں بہت پرانا ہے ویکٹر بھی, 1985-90 سے چل رہا ہے, اس لیے ویکٹر کو یوز کرنا چاہیے, اس کے بہت سارے فائدے ہیں, ڈائنامک ریز سمپل ریز نہیں یوز کرنی چاہیے اگر پی سی کے اندر کام کر رہے ہیں, جب دوسری جگہوں پہ جائیں وہاں ویکٹر نہیں ہوتے, مجبوری ہوتی ہے یا ویکٹر استعمال کرنے کی کاسٹ ہوتی ہے تو اس طرح ہم یوز نہیں کرتے, تو ادھر یہ مجبوری ہے, اچھا جی بنا لیں گے, تو ہم میرا خیال میں ادھر روکتے ہیں, اور ہاں اچھا اس کے کچھ مسئلے ہیں, یہ ڈائنامک ارے کی رن ٹائم کاسٹ ہوتی ہے, آپ کلاس میں آئے آپ کو یہاں بینچز پڑے ہوئے تھے ملے, میں نے فوراً کلاس شروع کر دی, ہم کلاس میں آئے کمرہ خالی تھا, اب جا کے گئے یار ذرا ہمیں بھائی 10 بینچ دے دیں, مل جائیں گے بینچ لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے گا, دیٹ از اے رن ٹائم کاسٹ, ڈائنامک ارے میں رن ٹائم کاسٹ ہوتی ہے تھوڑی سی پڑتی ہے, جب ہم نیو کرواتے ہیں اور ریپیٹڈلی نیو کرائیں گے تو نیو کی کاسٹ ہوتی ہے رن ٹائم, ونس بن گیا بننے کے بعد کچھ نہیں لیکن بننے تک اس کی کاسٹ ہے, اور ڈیلیٹ جب کرتے ہیں تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ چیزیں چلتی ہیں, دیکھو نیو ان دی اینڈ کیا ہے, ایک میموری ہے اور ایک میموری کے اوپر آپ نے ایک فنکشن سمجھو لکھا ہوا ہے, جو کہ جب بھی کوئی ریکویسٹ آتی ہے دیکھتا ہے کہ یار میرے پاس جگہ ہے کوئی, جہاں کوئی جگہ اس کا پوائنٹر وہ بھیج دیتا ہے اور اپنے پاس لکھ لیتا ہے یار اس جگہ میں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ میں نے اس کے نام دے دیا,
वो ये काम कर रहा है, डिलीट उसके अगेंस्ट कर रहे, तो अब इसकी कॉस्ट है ना, ये काम किसी ने तो करना, उसकी ये रन टाइम कॉस्ट होती है डायनेमिक अरे की, और ये बहुत फियर हो जाती है अगर बार बार आप न्यू और डिलीट कर रहे हो। अच्छा तरीका क्या है, जिस तरह के आप लोगों ने जिन सिस्टम में काम करें, जब जिन सिस्टम में आप काम करोगे बींग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनमें आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं हुआ करेगी। आप क्या किया करोगे, जब सिस्टम स्टार्ट हुआ करेगा आप उस वक्त एक दफा न्यू कर लिया करोगे, और जब खत्म होगा एक दफा डील करोगे, फिर आपको रन टाइम कॉस्ट नहीं पड़ेगी, वो फिक्स कॉस्ट होगी जो शुरू में एक दफा पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट, उसके बाद नहीं पड़ेगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर में पीसी पे जब हम बैठ के काम कर रहे होते हैं, उधर हम ना बना भी रहते हैं, कर भी रहते हैं, टैब मैंने खोली फायरफॉक्स की, क्रोम की, न्यू उसने किया एक करके दे दिया, दूसरी खोली से गया, उसमें क्लिक किया और भी मेमोरी के बारे में, उसने दोबारा, वहां बार बार ये काम हो रहा था, मजबूरी है, वहां फिक्स सिस्टम का एस्टिमेट नहीं रख सकते। जिस तरह के सिस्टम पे आप काम करेंगे उधर नॉर्मली मेमोरी के एस्टिमेट ज्यादातर फिक्स हुआ करेंगे, और जब फिक्स हो उनको आप, यानी वेरिएबल तो है लेकिन वंस आपने बता दिया फिर वो नॉर्मली वो फिक्स हुआ करेंगे, कि यार ये ग्रिड स्टेशन का मैं सिमुलेटर बना रहा हूं, तो इस ग्रिड स्टेशन को या ये जो है इसमें 100 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये इनका डेटा मैंने करना है, अब ये मैंने कर दिया, अब ये इतनी तेजी से चेंज नहीं हो रहा, ये मैं एकदम शुरू में करके रख लूंगा, ये 100 है तो मैं 110 की करके कर लूंगा, जिसमें वेक्टर कर रहा है 150, अब इसकी रन टाइम कॉस्ट नहीं पड़ेगी, इनकी रन टाइम इस्तेमाल करने की कोई कॉस्ट नहीं, बनने की कॉस्ट है, स्टैटिक या कंपाइल टाइम रहेगी कोई नहीं थी होगी, ये हो रहा तो है लेकिन उसके फायदे कुछ होंगे, तो यहीं पर हम क्लोज करते हैं, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर कुछ कंपैरिजन पे आते हैं। ठीक है।